तो मेरे प्यारे भाई लोग, आज हम लोग करने वाले हैं जय श्री राम कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। जैसा कि ये फोटो आप लोग को देखने में कितना ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, बिल्कुल हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है गाइस। आप लोग अगर जो ऐसा एडिटिंग करना चाहते हैं, अगर जो आप लोग अपना भी फोटो वायरल करना चाहते हैं और रियलिस्टिक ऐसा एडिट अगर जो आप लोग को सीखना है, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर जो आप लोगों को थोड़ा सा भी कठिन लग रहा होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, एक बार स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद से देखिएगा काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड यहाँ पे गाइस सारा चीज़ PNG का खेल है, काफ़ी ज़्यादा PNG वगैरह इसके अंदर यूज़ हुआ है। एंड बैकग्राउंड वगैरह PNG वगैरह सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा बिल्कुल आसानी ट्रिक से, तो वीडियो को उसके लिए लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए गाइस आज का वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा 100 का सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। अगर जो आप लोग राम भक्त हैं, दिल से श्री राम जी को मानते हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 100 का सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों ये रहा बैकग्राउंड जिसके ऊपर मैंने अपना फोटो एडिट किया, ठीक है। आराम से देखिएगा, सिर्फ दो एप्लीकेशन में मैं एडिट करके आप लोगों को दिखा दूंगा, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन और लाइटरूम एप्लीकेशन, ठीक है। तो बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो गाइस यार ये रहा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को शेयर करेंगे पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो पिक्स आर्ट एप्लीकेशन हमारा ये रहा, देन इसके अंदर टैप करके अपना बैकग्राउंड को शेयर कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल आराम से आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब अपने बैकग्राउंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा PNG वगैरह का यूज़ करना है, तो यहाँ पे फोटो को रिसाइज करेंगे। तो नीचे की तरफ टूल्स का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर टैप करके रिसाइज वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह लिखा होगा, कट करके 5000 लिख देना है। लिखने के बाद रिसाइज पे क्लिक कर देना है दो बार, तो फोटो का जो है लास्ट मेगापिक्सल शो होगा बैकग्राउंड का हमारे। तो नीचे की तरफ देख सकते हैं 3098 लिखा हुआ था, ठीक है। तो 3098 करके और रिसाइज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है गाइस, इतना ही करना है फिलहाल में। देन उसके बाद से क्या करना है गाइस, अपने बॉडी को ऐड करना है यहाँ पे। तो मैं अपना बॉडी जो कटआउट करके रखा हूँ फोटो रूम से, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। चलिए मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, नहीं तो आप लोग को भी दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। तो ये रहा फोटो रूम वाला हमारा फाइल, और यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए करना क्या है गाइस, यहाँ पे कुछ इतना सब पार्ट देख के कुछ निगेटिव सोच नहीं रखना है गाइस, क्योंकि यार हम लोग राम कॉन्सेप्ट पे फोटो एडिट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। देन गाइस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वाइट आ गया है हमारे हेयर के ऊपर, तो इरेजर पर क्लिक करके और इस वाइट वाले पार्ट को इरेज कर देना है हल्का सा। देन इतना होने के बाद करना क्या है, राइट के आइकन पर क्लिक कर देते हैं और अपना जो फोटो है इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं इतना पे। इतना पे करने के बाद ये जो फोटो रूम लिखा है इसको भी इरेज कर देंगे। अब आराम से देखते रहिए कैसे PNG वगैरह हर एक चीज़ में लगाता हूँ और आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। देन इतना होने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर दिए, करने के बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बॉडी को। देन इतना होने के बाद राइट के आइकन पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे गाइस। सेव करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है आराम से देखते रहिए। सबसे पहले अपने बॉडी के ऊपर क्लॉथ वगैरह चढ़ाएंगे, उसके बाद से धनुष पकड़ाएंगे और तीर को भी लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बंदर वगैरह बैठे हुए थे जो कि अद्भुत लग रहा था हमारा फोटो जिसके कारण, ठीक है। तो सारा कुछ आप लोग को लगाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस करना क्या है, सबसे पहले ऐड फोटो पर क्लिक करके मैं क्लॉथ ऐड कर देता हूँ, जो क्लॉथ मैंने ऐड किया है अपने फोटो के अंदर, ठीक है। दोनों सेम फोटो यहाँ पर लग रहा होगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में भी ऐड किया, तो ब्लू कलर हमारा नेचुरल नहीं लगेगा, ये वाला नेचुरल लगेगा, इसी कारण मैंने नेचुरल ही किया, ठीक है। तो फिलहाल मैं कपड़ा जो है ऐड करते हैं, मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन सॉरी फाइल के अंदर आके और इसको आराम से कपड़े को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारा नया नया फोटो गाइस शूट हो चुका है, तो आप लोग को रोज़ाना वीडियो देखने को मिलेगा। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोग रोज़ देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्लॉथ वाला PNG मिल गया एक, और ये माला वाला, ठीक है, दो PNG और ये तीन PNG अभी फ़िलहाल में ऐड करते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग को दे दूंगा, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, घबराइएगा मत। और ये जो इसी मतलब रुद्राक्ष वाला जो है हैंड के अंदर एडजस्ट किया जाता है, उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे इरेज कर लीजिएगा, इसको ऊपर कर देते हैं। देन ये कपड़ा वाला जो हमारा क्लॉथ है इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद गाइस करना क्या है,
इसका ऑप्सिटी जो है डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जो समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे से यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं अच्छे से ऐड कर देता हूँ। ऐड होने के बाद करना क्या है, अभी भी अच्छे से ऐड नहीं हुआ है। इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ इरेजर पे क्लिक करके अब क्या करना है गाइस, इसको इन्वर्ट कर देना है। नीचे की तरफ इन्वर्ट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है सबसे लास्ट में, सिंपली इसके ऊपर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद गाइस आते हैं रेस्टोर वाला ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं और हार्डनेस को पूरा 100% और जहाँ जहाँ हमारा पार्ट चाहिए कपड़ा का वहाँ वहाँ इसको ला देंगे। तो चलिए यहाँ पे फिंगर द्वारा अच्छे से इसको इरेज करेंगे, अपने फिंगर के बाहर वाले पार्ट को ढकेंगे, ठीक है, कपड़े से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से वो वर्क हो चुका है, बिल्कुल आराम से आप लोग को करना है ताकि यार कोई दिक्कत ना हो और रियलिस्टिक हमारा फ़ोटो दिखाई दे, क्योंकि यार मेहनत कर रहे हैं तो कुछ रियल लगना चाहिए। देन यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से मैं मतलब रिस्टोर कर रहा हूँ अपना क्लॉथ, और इधर का भी पार्ट था और इधर का भी पार्ट, ठीक है। इसी टाइप से आप लोगों को बिल्कुल आराम से करना है गाइस, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, क्योंकि यार ये वाला वर्क थोड़ा सा आराम से ही किया जाता है और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है गाइस ऐसे फोटो एडिटिंग में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से यहाँ पर ऐड हो चुका है। एंड गाइस इतना होने के बाद ये क्लोथ वाला PNG जो है इसको पूरा 100% कर देंगे, ठीक है। 100% ऑप्सिटी करने के बाद करना क्या है, ये माला वाला जो PNG है इसको यहाँ पे लगा देंगे, अच्छे से लगा देना है। लगाने के बाद गाइस ये रुद्राक्ष वाला जो PNG था किधर गया, फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, साइड में भी नहीं है, किधर है, हाँ मिल गया। तो इसको क्या करेंगे गाइस, इसका डुप्लीकेट पार्ट करके लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाते हैं एंड में। एंड इसका डुप्लीकेट पार्ट कैसे किया जाता है, ये इरेजर है ना, इसके बगल में एक ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसका डबल पार्ट कर देगा, यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद गाइस इसका डुप्लीकेट पार्ट एक और करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद क्या करेंगे, इरेजर पे क्लिक करके और कड़ा का ऊपर का पार्ट जो है इरेज कर देंगे, जिससे लगेगा कि वो रियल में हैंड के नीचे ही है, ठीक है, वो चीज़ ध्यान दिया जाता है कभी भी। और गाइस एक और इसका डुप्लीकेट पार्ट करेंगे और यहाँ पे हैंड के पास लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लगाने के बाद इरेजर पे क्लिक करके और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको इरेज कर देंगे। इतना होने के बाद गाइस करना क्या है, राइट आइकन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब बात आता है तीर धनुष लगाने के लिए, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, आगे का जो इतना पार्ट था एक और कपड़ा लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आके यहाँ पे सर्च कर देना है, यहाँ पे सर्च करना है गाइस GOD क्लॉथ CLOTHES, ठीक है, क्लॉथेस कर देंगे यहाँ पे, तो एक PNG मिलेगा जो कि सही था। यहाँ पे देख सकते हैं ये कान्हा जी वाला जो बॉय है, इसको क्या करेंगे, टैप करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको मैं कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी स्टेप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, इरेजर पे क्लिक करके और ऊपर का जितना पार्ट है इरेज कर देंगे हार्डनेस फुल करके, नीचे का बस कपड़ा रखना है। कपड़ा रखने के बाद इसको मैं ऑरेंज कलर में कैसे करना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। नीचे की तरफ इफेक्ट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, एक क्लिक में हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख लीजिए गाइस नीचे की तरफ कलर वाले ऑप्शन के अंदर आ जाइएगा, ये रहा कलर, ठीक है, नीचे की तरफ। और कलर वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे ऑरेंज कलर पे डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे DTN2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर टैप कर देंगे, ये ऑरेंज हो गया। एंड राइट आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए इसको अच्छे से यहाँ पे ऐड करते हैं, इसका जो पार्ट है इधर की तरफ फ्लिप रोटेट कर देते हैं, फ्लिप रोटेट पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर टैप करके इधर की तरफ घुमा देंगे, घुमाने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद गाइस करना क्या है, इसका जो ब्राइटनेस है उसको लो करेंगे, तो एडजस्ट के अंदर आके ब्राइटनेस को लो करते हैं, हाईलाइट कॉन्ट्रास्ट को भी माइनस करते हैं और यहाँ पे सैचुरेशन को भी हल्का सा माइनस करते हैं और गाइस यार हाईलाइट को भी माइनस करते हैं। अब रियल थोड़ा सा लगेगा और दोनों को मैचिंग करा रहे हैं अभी गाइस, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है।
देन इतना होने के बाद राइट के आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब ये वाला जो ऊपर का क्लॉथ है इसको भी थोड़ा सा ऑरेंज करते हैं। ऑरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उससे आप लोग इसको भी ऑरेंज कर लेंगे और लिप्स को भी रेड कर लेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, नीचे की तरफ रिटच का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना है रिटच वाले ऑप्शन के ऊपर। एंड यहाँ पे कई सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाता है, बट आ जाना है हेयर कलर वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। हेयर कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस करना क्या है, फर्स्ट में पूरा कलर का सिस्टम पड़ा हुआ होगा, इसके ऊपर टैप करके और यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेंगे पूरा गाढ़ा, ठीक है, यानी पूरा फुल सिचुएशन में। एंड यहाँ पे राइट का आइकन है, इसके ऊपर सिंपली टैप कर देंगे। टैप करने के बाद हमारा हेयर ऑरेंज हो जाएगा, तो हमें हेयर तो ऑरेंज करना नहीं है गाइस। यहाँ पे बैक का एरो है, सिंपली इसके ऊपर टैप करके और हेयर को ऊपर से हटा देंगे। एंड आते हैं मैनुअल वाला ऑप्शन के अंदर, ठीक है, और ये जो क्लॉथ था हमारा इसके ऊपर चला देंगे, देख सकते हैं ऑरेंज हो रहा है, और बाद में इसका ऑपेसिटी जो है हल्का सा डाउन कर देंगे। दोनों क्लॉथ थोड़ा सा मैच करेगा तो हमारा फोटो जो है रियलिस्टिक दिखाई देगा। और जो लोग इस वीडियो को देख के, अगर जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो यार इंस्टाग्राम पे टैग मेंशन मुझे ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोग का स्टोरी लगाऊंगा और देखूंगा कौन हार्ड कर रहा है फोटो एडिटिंग, ठीक है, वो चीज़ देखना ज़रूरी है। तो इसको क्या करेंगे, सिचुएशन हाई और अमाउंट अपने हिसाब से रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, राइट के आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब देख लीजिए थोड़ा सा मैच हो गया, एंड लाइटरूम के अंदर पूरा कलर ग्रेडिंग कर देंगे, ठीक है। तो आगे क्या करना है गाइज मैं बता रहा हूँ, अब बात आता है गाइज तीर धनुष लगाने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीर धनुष को लगाने के लिए स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आके, उससे पहले क्या करना है गाइस, यहाँ पे पीछे जो कमान रहता है जिसमें तीर रखा जाता है उसको ऐड करेंगे। तो ऐड फोटो पे क्लिक करके मैं ऐड कर देता हूँ फिलहाल में। तो ये रहा वो पीएनजी, एंड ये और ये, ठीक है, धनुष, और इस धनुष वाले पीएनजी को ऊपर रखेंगे गाइस, और ये वाला जो पीएनजी इसको अच्छे से यहाँ पे ऐड कर देंगे। करने के बाद करना क्या है, इरेजर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इन्वर्ट कर देना है और अपने बॉडी के ऊपर का पार्ट जो है ये कमान इसको यहाँ पे ला देना है, ठीक है, जो भी इसका नाम है मुझे तो मालूम नहीं है गाइस, जो मुझे लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, इरेज करने के बाद अब देख लीजिए वो हमारे बैकग्राउंड में चला गया है बिल्कुल परफेक्टली, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एंड ये वाला जो पीएनजी है इसको इतना पे करके और इरेजर पे क्लिक कर देंगे गाइस, इरेजर पे क्लिक करके और इतना जो पार्ट है इसको इरेज कर देंगे, जिससे लगेगा कि वो इसके अंदर है, ठीक है, तीर हमारा सारा का सारा तीर। एंड गाइस इसको क्या करेंगे, अच्छे से ऐड कर देंगे, एंड ऐड हो गया इसका डुप्लीकेट पार्ट करके, और वहीं पे इसको भी रख देंगे, देख सकते हैं हो गया। एंड इतना होने के बाद गाइस करना क्या है, राइट के आइकन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब देख लीजिए गाइस इतना तो वर्क हो चुका है, अब आता है बात तीर धनुष लगाने के लिए, और यहाँ पे बंदर मंकी वगैरह और कुछ खास खास पीएनजी आगे की तरफ लगाने के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आके और यहाँ पे सर्च कर देना है धनुष, DHANUSH, ठीक है, धनुष सर्च कर देंगे और सिंपली यहाँ पे धनुष का पीएनजी आ गया ये वाला, सॉरी मैं आप लोगों को बता दूँ कौन सा मैं ऐड कर रहा हूँ, ये वाला गाइस इसको ऐड करेंगे, ठीक है, चौथे नंबर पे है, इसके ऊपर टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद ये वाला जो पीएनजी है इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करेंगे और इसका डुप्लीकेट पार्ट कर देंगे, ठीक है, धनुष का डुप्लीकेट पार्ट कर देते हैं इस पे टैप करके, ठीक है, टैप करते हैं, डुप्लीकेट पार्ट आ गया, इसको ऊपर कर देंगे एक धनुष को, अभी उसका काम है मैं बता रहा हूँ। इसको अच्छे से यहाँ पे ऐड करेंगे अपने हैंड के अंदर, एंड ऐड करने के बाद इरेजर पे क्लिक करना है, इरेजर पे क्लिक करने के बाद ये फिंगर के ऊपर का जो पार्ट है इसको अच्छे से इरेज कर देंगे, जिससे लगेगा कि धनुष जो है हमने अच्छे तरीके से पकड़ रखा है। तो ये चीज़ कभी भी ध्यान दिया जाता है गाइस, हैंड के अंदर आ चुका है, और ये जो रस्सी है गाइस रस्सी को इरेज कर देना है, रस्सी इरेज हो गया। एंड ये वाला जो रस्सी है इसको यहाँ पे लाएंगे ऊपर, जो धनुष डुप्लीकेट पार्ट किए थे, इरेजर पे क्लिक करके और ये धनुष का जो पार्ट है इसमें धनुष का पार्ट जो है इरेज करेंगे, ठीक है। एंड धनुष का पार्ट इरेज करने के बाद ये रस्सी है इसका दो पार्ट बनाएंगे, तो दो पार्ट कर दिया डुप्लीकेट पे क्लिक करके और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है,
जिससे लगेगा कि रस्सी को हम लोग खींच रखे हैं। एंड ये वाला जो पिंजी है इसको भी यहाँ पे लगा देंगे, जहाँ जहाँ बंधा हुआ था वहीं पे लगाना है, ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ। एंड इतना होने के बाद करना क्या है, आना स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे सर्च कर देना है एरो ARROW और यहाँ पे सिंपल एरो लगाएंगे जो कि हमारे जो पीछे की तरफ रखा हुआ है उससे मैच करे, ठीक है गाइस। तो मैच करने के लिए एक PNG यहाँ पे है जिसको मैंने अभी ऐड किया है, ये वाला, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर टैप करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और गाइस करना क्या है, इरेजर पे क्लिक करके थोड़ा सा ऑप्सिटी इसका कम करते हैं जिससे हमारा फिंगर दिखाई दे, और इरेजर पे क्लिक करके हार्डनेस फुल करके वर्क किया जाता है गाइस, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले फोटो के अंदर कभी भी। अब इतना पार्ट जो है इसको इरेज कर देंगे फिंगर के ऊपर वाले पार्ट को, जिससे लगे कि हम लोग तीर को पकड़ रखें अच्छे तरीके से। एंड गाइस इतना होने के बाद इसका ऑप्सिटी जो है 100% कर देना है। करने के बाद इसको राइट आइकन पर क्लिक करके सेव कर देना है। उससे पहले क्या करेंगे, तीर को मूव डाउन कर देते हैं, एक मूव अप कर देते हैं, एक मूव डाउन, एंड राइट के आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब गाइस बात आता है आगे की तरफ थोड़ा सा ग्रास लगाने के लिए और लाइट रूम के अंदर ले जाके एक प्रेसेट मारने के लिए, ठीक है। तो स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आके यहाँ पे सर्च कर देना है ग्रीन ग्रास, ठीक है, सॉरी हाँ ग्रीन ग्रास सर्च कर देंगे, GRWN ग्रीन GRAWS ग्रीन ग्रास सर्च करने के बाद यहाँ पे कई सारा PNG आप लोग को देखने को मिलेगा, हमको ये वाला लगाना है। तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर देंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे और इसका डुप्लीकेट पार्ट करके जैसे कि ऊपर की तरफ कर रहे थे इसी टाइप से डुप्लीकेट पार्ट कर देना है और इसको इधर की तरफ लगा देना है, ठीक है। इतना होने के बाद राइट के आइकन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब चलिए गाइस लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, उससे पहले एक दो बंदर यहाँ पे लगाया था मैंने उसको लगा देते हैं, ठीक है, वो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। स्टिकर के अंदर आके यहाँ पे सर्च कर देना है MONKEY मॉन्की। सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पे ये वाला मॉन्की जो था एक बैठा था इसको लगा देंगे यहाँ पे, और इसका ऑप्सिटी जो है कम कर देंगे जिससे रियल लगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आके ये रस्सी वाला जो मंकी था इसको क्या करेंगे, ये रस्सी वाला पार्ट जो है इसका इरेज पर क्लिक करके और इतना इरेज कर देंगे हैंड वगैरह सारा कुछ। एंड गाइस इसको ले जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि ये चौक रहा है देख के समझ सकते हैं। एंड इसका ऑप्सिटी हल्का सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं 80 पॉइंट रखेंगे। एक और मंकी लगा देते हैं जो कि थोड़ा सा और अच्छा दिखाई दे, ये वाला, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं कौन कौन से लगाया, इसको भी यहाँ एक डांडी पे बैठा देंगे, इसका भी ऑप्सिटी थोड़ा सा कम। एंड राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। लिप्स वगैरह रेट करना जानते हैं, यह रोज़ मेरा वीडियो जो रोज़ देखता है डेली देखता है वो लोग जानते हैं, ठीक है। तो जाके रेट कर लीजिएगा। देन अब क्या करना है, नीचे की तरफ स्लाइड करके ड्रा वाले ऑप्शन के अंदर आना है। ड्रा वाले ऑप्शन के अंदर आके 3 डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक कर देना है, अपना फोटो जो है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। चलिए अब आगे का प्रोसेस क्या है, इसको ले चलेंगे लाइट रूम के अंदर और एक प्रेसेट को यूज़ करेंगे, हमारा खेल जो है ख़त्म हो जाएगा फोटो एडिटिंग का आज का। तो सिंपली इसको सेंड करते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। मेरे लाइट रूम में ऐड नहीं हो पाता इसलिए मैं 3 बार शेयर करता हूँ इसके अंदर, ठीक है गाइस। चलिए लाइट रूम के अंदर चलते हैं, अभी भी पता नहीं ऐड हुआ है या नहीं। तो अभी तक ऐड नहीं हुआ है और देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक कॉन्सेप्ट आने वाला है। एंड मैं रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए गाइस, ठीक है। तो हरदम नया कलर ग्रेडिंग करता हूँ, हर एक चीज़ कुछ नया लाने की कोशिश करता ही रहता हूँ। तो उसके लिए यार एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमारा फोटो जो आया नहीं है, तो फिर से इसको शेयर करते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाने के लिए कुछ खोया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फोटो जो है, ये प्रेसेट, इसको 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग करना है, नीचे वाला आइकन जो है इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है, आते हैं ओरिजिनल फोटो के ऊपर। सिंपली इसके ऊपर क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके और पेस्ट सेटिंग कर देना है। गाइस यार रिजल्ट आप लोग के सामने है, कैस कितना हार्ड और नेचुरल फोटो एडिटिंग हो गया हमारा राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाके डाउनलोड कीजिएगा तो अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को खोलिए और जाइए, लिंक मिलेगा ड्राइव वाला,
स्टॉक लिखा होगा उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। एडिट करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग मेंशन जरूर कीजिएगा ताकि यार मैं आप लोगों का फोटो एडिटिंग देख पाऊँ कि आप लोग कैसा किए हैं। कमेंट में सबका करता रहता हूँ। तो गाइज यार आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कॉमेंट करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग गाइज़।